वो बेशरम ईरान कहाँ है? बुलाओ उसे। आजाद भाई चले यहाँ से। मीरान कहाँ छुपा है? बाहर निकल। चलो बाहर। छोड़ो मुझे। चलो छोड़ो, मैं देख लूंगा तुम लोगों को। पीछे हटो। देखो तुम्हारी भलाई इसी में है, चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम लोग ये सब ठीक नहीं कर रहे। मैं उस बेशरम और उस घटिया मीरान को कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। घटिया मीरान साहब नहीं है, बल्कि तुम हो आजाद शाह दोलू। अच्छी तरह से जानते हैं तुम्हारी असलियत। और देखो तुम यहाँ पर भी आ गए बदमाशी करने। इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? किसकी इज्जत? तुम आखिर खुद को समझ क्या रहे हो? बोलो। गोनल साहिबा को किडनैप नहीं किया, उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश नहीं की, अपने आप को बचाने के लिए खुद पर गोली नहीं चलाई। झूठ है ये, झूठ। मैंने किसी की इज्जत पर हाथ नहीं डाला और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाया। कितनी घटिया सोच के इंसान हो तुम। तुम कुछ नहीं जानते। मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोशिश मत करो। मैंने हाथ तक नहीं लगाया कोनल असलान बे को। चलो जनरल, असलान बे की हवेली। चलो आओ अंदर चलते हैं। रियान बेटा गाड़ी से सामान निकालो। हम सब सिर्फ तुम्हारे बाबा की वजह से उस हवेली को छोड़कर इस छोटे से घर में आ गए हैं। सोचो अब हम लोग यहाँ पर कैसे रहेंगे। अभी आजाद कहाँ है नजर नहीं आ रहा। क्या उसी को फोन कर रहे हैं? जहान, उस लड़की के साथ बहुत बुरा होने वाला है, मैं बता रही हूँ तुम्हें। अम्मी अब इससे ज्यादा और क्या बुरा होगा? इससे बुरी तो अब बस मौत ही हो सकती है हमारे लिए। यार इन बस कर दो, जाओ यहाँ से। नहीं उठा रहा ना फोन वो? नहीं। हमसे गलती हो गई, हमें जैनर के साथ उसे छोड़ना ही नहीं चाहिए था। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुन रहे हो तुम? बोलो आजाद कहाँ है? हमदान अपना मुंह बंद करो खुदा के लिए, आजाद से बात नहीं हो पा रही। जैनर को फोन करता हूं। ठीक है। आप भी देखिए कितना खूबसूरत बाग है। हम यहाँ पे साइकिल भी चला सकते हैं और कोई भी गेम खेल सकते हैं। चले आप भी आ जाए ना, बाद में खेल लेंगे हम लोग, लेकिन अभी बहुत काम है। ठीक है। छोड़ो, रहने दो तुम, बहुत भारी है, मैं ले जाता हूँ। मेरी बात गौर से सुनो। आजाद भाई बहुत गुस्से में और कोनल से बदला लेने जा रहे हैं, मैं उन्हें नहीं रोक पा रहा हूँ। रियान क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो गई? आजाद भाई पागल हो गए, मुझे डर है किसी मुसीबत में न फंस जाए। रजा भाई क्या आप मुझे अभी मदियात ले जाएंगे? नसू साहब को बताकर आता हूँ। नहीं, अगर हमने ऐसा किया तो बात बढ़ जाएगी मजीद। हम लोग जा रहे हैं, तुम संभाल लेना यहाँ। ठीक है। चलिए रजा भाई जल्दी करें। हाँ। अम्मी, दादी ने आपसे क्या कहा? वो जानना जरूरी नहीं गोनल, अगर तुमने सिग्नेचर कर दिए तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। प्लीज आप ऐसा मत सोचिए, मुझे लगता है कि इसमें इन दोनों की भलाई है। भाई छोड़े, भाई मत करें भाई। आजाद मेरे रास्ते में बताना गोनल असलान बे। तुम्हें झूठा इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती? इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए? अम्मी पीछे हटो,
गोनल असलान में इस बारे में तुम मुझे बताओगी। रुको, आखिर तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? पीछे रहो शादोलो, तुम होते कौन हो मेरी बेटी से पूछने वाले? कुछ पूछा है? तुम्हें छूना तो दूर की बात, तुम्हारा एक भी बाल बाका नहीं किया मैंने। अब बताओ तुम्हें क्या लगा एक इल्जाम लगाकर मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दोगी? तुम जवाब दिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकती। नहीं भागा नहीं, सब कुछ खराब हो चुका है फिरात, मैं अपना फैसला कर चुका हूँ। मैंने तुम्हें मना किया था कोई कॉल मत देना। मिरान भाई, आजाद ने बीच बाजार में गोनल के सर पे बंदूक तान दी। इस घटिया शख्स को नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ है मिरान, बताओ क्या हुआ है? आजाद, उसने भरे बाजार में गोनल पर बंदूक तानी है, ये मुझे कातिल बनाकर छोड़ेगा। सच्चाई क्या है गोनल? अब तुम सबके सामने ये बात बताओगी कि आजाद शाह दोलो ने तुम्हारे साथ क्या किया है? बताओ गोनल, सबको बताओ। करीब मत आना, कोई कुछ करेगा ये मेरी बेटी को मार देगा। मैं यही हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, ना मैं तुमसे छुपूंगा और ना ही कहीं डर के भागूंगा। अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है तो ये लो गन। मारो मुझे। रुक क्यों गई तुम? मारो, चलाओ गोली। रुको नहीं गोनल, चलाओ। मैं नहीं कर सकती, छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ। जाहिर है गोनल तुम नहीं चला सकती, क्योंकि मैंने तो तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया। बताओ सबको यही सच है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हटो पीछे। जेनर तुम पीछे मत आओ, ये मेरा और मिरान का मसला है। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। किसी की बीवी पे बंदूक तानी तुमने? आजाद भाई, कोई बीच में नहीं आएगा हमारे, हट जाओ। पीछे हटो, बीच में मत आओ। मेरी बात सुनो मेरान, मेरा मसला तुमसे नहीं गोनल से है। मैं अच्छी तरह तुम्हारा मसला जानता हूँ आजाद, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। तुम्हें इसी बात पर गुस्सा है ना कि वो तुम्हें नहीं चाहती? भाई, तुम बीच में नहीं आओ, प्लीज हटो पीछे। रुको, तुम इधर रुको। चलो मर्दों की तरह बात करो। छोड़ो मुझे। अगर ये सच है जो इल्जाम तुम्हारी बीवी गोनल इस्लाम बे ने मुझ पर लगाया है, तो अपना बदला मुझसे ले ले और सबके सामने यही मुझे कत्ल कर दे। औरत पे बंदूक तानना कोई हिम्मत की बात नहीं है, अगर मर्द हो तो मुझे मारो। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, ना ही मैंने किसी पर बुरी नजर रखी है और ना ही किसी पर बंदूक तानी। हेलो, आजाद और मीरान ने बाजार के बीचों बीच एक दूसरे पे बंदूक तान ली है। एक दूसरे पे बाजार के बीचों बीच? जल्दी कुछ ना कुछ कीजिए। अच्छा तुम फोन तो बंद करो, मैं कुछ करती हूँ अभी। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। फिराद भाई, फिराद भाई प्लीज कुछ कीजिए, एक दूसरे को मार देंगे। उठो, उठो। यहाँ पर हैं। रोक दे, यहीं पर रोक दे। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, जान ले लूंगा तुम्हारी, तुरंत तुम्हें मार दूंगा मैं तुम्हें। रुक जाओ, रियान, रुक जाओ, पीछे हट जाओ। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। रुक जाओ रियान, क्या समझते हो तुम खुद को? हाँ, गुंडे हो जो इस तरह से मारपीट कर रहे हो। पीछे हो जाओ। तुम बीच में मत आओ रियान, सारा मसला तुम्हारे भाई की वजह से है। मसला क्या है तुम्हारा?
गोनल ने आजाद पर इल्जाम लगाया है और तुम इसका साथ दे रहे हो। सब कुछ किया भी खुद और अब सच्चे भी बन रहे हो। आजाद ने किसी की इज्जत पर हाथ नहीं डाला है मीरान। रियान पीछे हट जाओ प्लीज। मैं पीछे नहीं हटूंगी मीरान। जो मेरे साथ किया वो काफी नहीं, जो अब मेरे खानदान को भी निशाना बना रहे हो। मेरे खानदान से दूर रहो, हम सब से दूर रहो। तो मीरान आइंदा हमारे करीब मत आना, हाथ मत लगाना हम में से किसी को। सबर से काम लो। खत्म हो गया है मेरा सबर आज। हमसे उलझना बंद कर दो मीरान। दूर रहो हमसे। चलो चले यहां से। चलो। बहुत दर्द हो रहा है ना आपको? नहीं मैं ठीक हूं बिल्कुल, कुछ नहीं हुआ मुझे। जाओ यहां से, खत्म हो गया तमाशा। जाओ। तुम क्यों आई वहां पर? क्या जरूरत थी वहां तुम्हें आने की? वो लोग बहुत गलत कर रहे हैं हमारे साथ, आखिर किसी को तो रोकना होगा ना उन्हें। और तुम भी जानती हो गोनल ने कैसा इल्जाम लगाया है मुझ पर, और अगर तुम वहां नहीं आती तो मैं उन लोगों का अच्छी तरह क्या करती? मैं मरने के लिए छोड़ देती वहां आपको? वहां वो आपको उस गुनाह की सजा दे रहा था जो कभी आपने किया ही नहीं था। मैं उसे इजाजत नहीं दे सकती आपके साथ ऐसा करने की। रियान देखो तुम। रियान 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 ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, आप सब खत्म हो गया। नहीं खत्म हुआ ना, आप लोग खत्म ही नहीं कर रहे। रोज रोज के तमाशों से तंग आ गई हूँ मैं आजाद। मीरान और आप जहाँ एक दूसरे को देखते हैं, कोई वजह हो या ना हो, एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इस डर के साथ नहीं जी सकती हूँ कि कल क्या हो जाएगा। ये डर कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि जंग खत्म नहीं होगी। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं हार जाती हूँ। ये इंतकाम कभी खत्म नहीं होगा इन दोनों खानदानों का। तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि सब खत्म हो जाए। चाहती हूँ कि ये जंग जो इन दोनों खानदानों में है वो खत्म हो जाए, आपकी और मीरान की लड़ाई खत्म हो जाए। मीरान की बात मत करो। जब तक वो तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगा तब तक कुछ खत्म नहीं हो सकता। क्या जो मैंने सुना है वो सच है? शादुलों ने बंदूक तानी हम पर? सच है। गोनल का झूठ आजाद तक पहुंच गया। उसने गन उठाई और उसके हाथ में दे दी ताकि वो खुद पे लगा इल्जाम मिटा सके। मेरी बेटी पहले ही बहुत डरी हुई है, उस पे दबाव ना डालो। सुना? हर कोई अपने किए का जिम्मेदार खुद है आंटी। मीरान क्या तुम अब भी घर छोड़ के जाना चाहते हो जबकि असलान बे खानदान की बेटियों पर बाजार में बंदूक तानी जा रही हो? मैं किसी को छोड़कर नहीं जा रहा दादी जान। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि मेरे पीठ पीछे काम करना कब बंद करेंगे। मैं आपसे यहीं पर रहूंगा, मेरी नजर सब पर है। खबरदार अगर किसी ने मेरे पीठ पीछे कुछ भी करने की कोशिश की।
क्या हुआ आजाद? ये हालत किसने की तुम्हारी? परेशान ना हो अम्मी, मैं ठीक हूं। सारे शहर के सामने बंदूक निकालने की क्या जरूरत थी तुमको? तंग आ गया हूं मैं तुमसे आजाद। यहां पर मैं अपनी बची कुची इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे शर्मिंदा करवा दिया है सारे मिद्यात में। मैंने शर्मिंदा किया है मिद्यात में? गोनल ने जो मुझ पर इल्जाम लगाया है क्या वो सही है? आप बताइए, क्या मैं चुप रहूं? बताइए मुझे, क्या मैं अपने ऊपर लगाए हुए इल्जाम को हटा भी नहीं सकता? क्या मतलब है, तुम ये क्या कह रहे हो आजाद? बात यह है कि मतलब आपको मालूम, आप लोगों ने कैसे छुपाया, मैं पागल हो जाऊंगा। इसी वजह से तुम्हें कुछ भी नहीं बताया था कि तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगे। अब देखो ये क्या किया है तुमने, वहाँ गए झगड़ा किया, बात और बढ़ गई। नहीं आता कोई कहीं नहीं जाएगा, समझ गए सब? खासकर तुम आजाद कहीं नहीं जाओगे। क्या हुआ बाबा, कहाँ जा रहे हैं? हेलो, चलो उन लोगों ने बुला ही लिया है तो उनके साथ भी चाय की एक नशिश रख लेते हैं। फिरात, फिरात जी। बोलिए दादी जान। गाड़ी तैयार करने का कहो। कहाँ जा रही हैं? मैं साथ चलूं? नहीं नहीं फिरात, तुम यहीं रुको। मेरे आने तक कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा, यहां तक कि मीरान भी। आइए अजीज खानम। तुम्हें तो अपने इरादे तोड़ने वाले की भी खबर नहीं नसु। शादोलो वालों को अपनी तरह मत समझना, क्योंकि एक साथ जुड़े हुए हैं हम। खूब खबर रहती है एक दूसरे की हमें, लेकिन मुझे तुम्हारा मसाला समझ नहीं आता। तुम्हारे दिमाग में जो फतूर है उसे निकाल दिया जाएगा। तुम्हारी हर तकलीफ के पीछे मैं ही दिखूंगा। खुश आमदीद। शुक्रिया आगा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया अशमत आगा। तुम दोनों ने किसी को बताया तो नहीं आने का? अच्छा है, तुम दोनों रस्म और रिवाज जानते हो। यहां जो भी बात होगी वो यहीं रहेगी, और जो भी फैसला लिया जाएगा उस पर अमल होगा।
जब से असलान बे मिद्यात में वापस आए हैं तुम लोगों के मसले बढ़ गए हैं। मैंने सोचा था तुम दोनों आपस में बैठ के मसले को हल कर लोगे, लेकिन तुम दोनों खानदानों के मर्दों ने तो बंदूकें उठा ली हैं। क्या कभी बंदूकें उठाकर फैसले हुआ करते हैं? कितना ही बड़ा मसला क्यों ना हो, सिर्फ बातचीत से ही हल होता है। मुझे बताओ, क्या तुम दोनों खानदान यहां के अमनो सुकून के जिम्मेदार नहीं? ऐसा ही है। जवान खून जब भी जोश मारता है तो नुकसान होता है, इसलिए बड़ों का काम होता है उन्हें लगाम डाले रखे। हशमताका, इन हालात की जिम्मेदार यह है। कितनी जल्दी भूल गए कि तुम्हारे खानदान ने क्या किया है नसर? हम लोग यहां अपने पुराने जख्मों को क्रेदने नहीं बैठे हैं अजीजा खानम। अब मीरान ने नसो की पोती के साथ क्या किया देखा ना? ये सब नहीं होना चाहिए, लिहाजा अब इस मसले को मैं खुद देखूंगा। नसो, मैं यह कहना चाहता हूं कि अब तुम्हें मीरान रेहान दोनों की शादी कबूल करके सारे मसले को खत्म करो। हशमताका, आपकी बात मुझे कबूल नहीं। वो इसलिए कि इन लोगों ने जो कुछ हमारे साथ किया उसके बाद इस सब का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहां के अमन का जिम्मेदार मैं हूं, तुम्हें ये बात याद रखनी होगी। कहीं ये तुम्हारी बेजा जिद बढ़ाना दे मसले को। मैं यहाँ खून खराबा नहीं चाहता। हशमताका, मुझे आपकी राय से इत्तेफाक नहीं, आपको इंसाफ करना चाहिए। जो आपने कहा उससे कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे अपना खून बहाना मंजूर है, लेकिन इस औरत के सामने कभी भी झुकूंगा नहीं मैं। फिरात, दादी बाहर क्यों गई और एक ही घर में रहते हुए मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? मैंने कहा था कि मुझे बताए बगैर कुछ भी नहीं होगा, तो मुझे बताए बगैर ये सब कुछ क्यों हो रहा है फिर से? तुम्हें तो मुझे बताना चाहिए था फिरात। इतनी जल्दी तुम्हें मैं कैसे बताता? उन्होंने बस कहा कि गाड़ी निकालो। उन्होंने कहा मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, हत्ता के मीरान भी ना निकले हवेली से। क्या लगता है कि वो शादुलो हवेली गई है? नहीं, मैं पागल हो जाऊंगा। बस अल्लाह करे कि आपका यहां ना होना शादलो खानदान से ना जुड़ा होता दी जान। भाईजान, बाबा कहाँ गए हैं? कितनी देर हो गई, अब तक वापस नहीं आए। मुझे बहुत बुरे ख्याल आ रहे हैं। मुझे भी नहीं मालूम जहान। मुझे लगता है शायद अजीजा ने बुलाया है बाबा को, लड़ाई का पता चल गया होगा। पूरे शहर को पता है इस बात का। मैं कुछ और लोगों को भेजता हूं उन पर नजर रखने के लिए। भाईजान, आप तो जानते ही हैं हमें उनकी चालों का बिल्कुल नहीं पता चलता। देखें, हमें असलाम बे खानदान पर नजर रखनी ही होगी। बाबा, आप आखिर कहां चले गए थे? फौरन आजाद को बुलाओ। आजाद, क्या हुआ बाबा? बाबा, आपने इस तरह आजाद को क्यों बुलाया है? कुछ हुआ है क्या? तुम अपने नाना के जा रहे हो आजाद।
ऐसा क्यों कह रहे हैं? यही तुम्हारे लिए मुनासिब है। बात सुने, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। अगर इस शहर से कोई भाग कर जाएगा तो वो है मीरान। तुम मेरे इकलौते पोते हो, तुमसे ही हमारी नस्ल चलेगी। मैं जब तक तुम्हें ना बुलाऊं तुम वापस नहीं आओगे। आप क्यों नहीं समझ रहे? उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया और छुपना भी मुझे ही होगा। आखिर क्यों? हाँ क्यों? शादोलो फैमिली के पास आजाद को भेजने के अलावा कोई रास्ता हो भी नहीं सकता। आखिर कब तक छुपाएंगे इसे और इस पर लगे हुए इल्जाम को कैसे हटाएंगे बाबा? कब तक ये इसी तरह भागता रहेगा? ये कोई मसले का हल नहीं है। आप समझ क्यों नहीं रहे? इस तरह दुश्मन की जीत होगी और वो हम पर इसी तरह से हावी होगा। खामोश हो जाओ, खामोश। ये फैसला तुम्हारे और अपने पोते आजाद के लिए किया है मैंने। वो लोग हमसे इंतकाम लेने के लिए तुले बैठे हैं। उनकी नफरत बढ़ गई है। तुम्हें जितनी फिक्र आजाद की है उतनी ही मुझे भी है बहू। आजाद अपने नाना के पास जाएगा और इस बात का हमारे अलावा किसी को नहीं पता चलना चाहिए। चलो। किस बात का गुस्सा है? कहां गई थी आप दादी जान? कहां थी अब तक? तुम्हारे बड़े जब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें बताने के मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं। वो भी इस वक्त? कब्रिस्तान में जाने का कोई वक्त होता है क्या? बात सुनो, बाजार में जो कुछ हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं हुई कि एक दूसरे पे बंदूक तानी। शादुलो अब क्या करेगा ये सोचना नामुमकिन है। मुझे लगता है कि जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते तुम्हें यहां से कार्स चले जाना चाहिए। क्या कहा आपने दादी, मैं जरा समझा नहीं। हा? कुछ देर पहले तो आप मुझसे इस बात पर नाराज थे कि मैं हवेली क्यों छोड़कर गया। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी दुश्मन हूं? मेरा सिर्फ एक ही दुश्मन है और वो शातुलो है। मीरान, मैंने तुम्हें पाला है। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात तुम्हारी हिफाजत है। अगर मैं कुछ नहीं कहती इसका ये मतलब नहीं कि कोई खतरा नहीं है। मैं नहीं डरता किसी से, चाहे जो मर्जी आए वो कर ले। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर अब जो मैं तुमसे कह रही हूं बहुत ध्यान से सुनना। मेहमत से कहो कि लोग पढ़ा दे, कोई परिंदा भी पढ़ना मार सके। फिर रात इस काम में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। कोई भी मुझे और मीरान को बताए बगैर इस घर से हरगिज कदम बाहर नहीं रखेगा। ठीक है दादी जान। अस्मा, जल्दी से मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना के लाओ। इन्हें अभी भी चाय की पड़ी है। सब ठीक होगा नसू, इतना ना सोचो।
ऐसे ना सोचो यूसुफ, देखो ना कहां पहुंच गया हूं मैं। इतने सालों में तिनका करके जो कुछ बनाया सब बिखर गया, छीन लिया मुझसे मेरा सब कुछ, उसने मेरा घर छीन लिया मुझसे, मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ कर दिया। अब यह सब संभालना मुझसे मुश्किल हो रहा है यूसुफ। क्या अल्लाह ताला कोई सजा दे रहा है मुझे? अम्मी मुझे बचाएं, बाबा मुझे बचाएं, अम्मी मुझे बचाएं, यहाँ तो मुझे भी है, कोई है, बचाओ मुझे। मायूस ना हो नसू, अल्लाह हर किसी का इम्तिहान लेता है लेकिन अपने बंदों पर रहम करता है। अल्लाह अपने बंदे पर इतना बोझ नहीं डालता, तुम भी इतना मत सोचो। तुम सही कह रहे हो यूसुफ, हर खजा के बाद बाहर आती है और वो बाहर लेकर आऊंगा मैं। कौन सा मीरानी कह रहा है मुझसे? जो मेरी आंखों में मोहब्बत से देखता है वो कह रहा है मुझसे, या जिसने मुझे अंदर तक जख्मी कर दिया है वो कह रहा है? कौन मुझसे अपनी बीवी बनने के लिए कह रहा है? कौन हो तुम मीरान, हो कौन? आजाद ने किसी की इज्जत पर हाथ नहीं डाला है मीरान। मैं पीछे नहीं हटूंगी मीरान। जो मेरे साथ किया वो काफी नहीं, जो अब मेरे खानदान को भी निशाना बना रहे हो। उठाओ उठाओ उठाओ। चीख क्यों रहे हो मीरान? क्या हुआ है? मुझे रियान से मिलना है फिरहत। देखो हालात को नजरअंदाज ना करो, अगर किसी ने तुम दोनों को एक साथ देख लिया तो एक बात याद रखना, तुम दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर मारा जाएगा। मीरान आपकी चाय। मीरान के दिमाग का क्या करूं समझ नहीं आता बिल्कुल भी। अपने आंसुओं के जरिए बहुत मुश्किल से मैंने उसके अंदर नफरत भरी थी। मैं उस वक्त तक चैन नहीं लूंगी जब तक इस लड़की का कुछ कर ना लूं, जिसने नफरत की जगह इसके दिल में मोहब्बत भर दी है। अस्मा, यानी रियान, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मुझे जानती नहीं। मैंने कसम खाई थी कि मुझे इंतकाम लेना है एक भी गोली चलाए बगैर, मुझे ये जंग जीतना है किसी भी हाल में। अस्मा, बस मीरान रास्ते पे आ जाए मैं ये चाहती हूं, नहीं तो मेरे किए कराए पर सब पानी फिर जाएगा। इसके लिए रियान को मरना होगा, वो भी मीरान के दिल में। अस्मा, तुम्हें भी मीरान की तरह तजस्सुस होगा कि मैं कहां गई थी। ठीक कहा ना मैंने? मैं किसी भी किस्म की कोई और रुकावट नहीं चाहती अपने मामलात में। हशमत आगा ने बुलाया था बात करने के लिए। फिर क्या हुआ? बाजार में जो कुछ हुआ उसके बारे में पता चल गया उन्हें। कहते हैं हमारा सुकून बर्बाद हो गया है दोनों खानदानों की वजह से, और ये भी कहा कि सिर्फ दो रास्ते हैं सब ठीक करने के, या मीरान और रियान की शादी करवा दी जाए या फिर खून खराबा है इसका हल। नसू ने नहीं मानी ये बात, तो फिर मैं क्यों हामी भरती? और अब क्या होगा खानम, बताएं मुझे। अस्मा, अगर मीरान और रियान शादी नहीं करेंगे
तो फिर आजाद शादुलू मारा जाएगा। हाय अल्लाह। पत्थर ही पत्थर है क्या? हर एक पत्थर को उठाकर फेंक दोगे? अगर जरूरत पड़ी तो फेंक दूंगा। हर वो रास्ता साफ करूंगा जिसे तुम्हें गुजरना है। कोई नहीं चाहता जिससे वो प्यार करे उसके पांव में पत्थर लगे। मैं कभी भी तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता रियान। मैं पत्थरों पर चल तो लूं लेकिन बहुत सी मुश्किलें होंगी, मगर मैंने भी फैसला कर लिया है कि अब डर डर कर रहना खत्म, क्योंकि अब हम साथ हैं। मैं अब तुम्हारे साथ आजादी से खुश रहूंगी। अगर मेरे रास्ते में कोई पत्थर आया तो तुम उसे हटाओगे ना? वादा करो मुझसे। वादा। रियान, क्या तुम मुझे नहीं जानते? तुम्हारी फिक्र हो रही थी। और घर का कैसे पता चला? चाहे तुम कहीं भी चली जाओ रियान, मैं कुछ भी करके तुम तक पहुंच जाऊंगा। गुल ने सब बताया मुझे। मैंने बहुत कॉल्स की पर तुमसे बात नहीं हो सकी। फिर मैं पागल हो गया, फिक्र हो रही थी तुम्हारी, डर गया कहीं किसी ने नुकसान ना पहुंचा दिया हो तुम्हें। कौन नुकसान पहुंचा सकता है मुझे? तुम्हारे अलावा और किसी से खतरा नहीं। क्या होगा अगर किसी ने हमें इस वक्त यहाँ देखा? हाँ, जान से मार देंगे तुम्हें। तो तुम्हें इस बात का डर है कि मुझे मार देंगे? डर इस बात का है कि मेरे घर में कोई कातिल ना बन जाए। रिया, मीरान चले जो इससे पहले कोई हमें यहाँ पर दिखे। ठीक है, चला जाता हूँ, फिक्र मत करो। लेकिन मुझे बताना है कि तुम्हारी हवेली लेने में मेरा कोई हाथ नहीं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, दादी को मना किया था। मगर वो नहीं रुकी और ना ही वो कभी रुकेंगी। अब समझ में आया कि उस दिन क्यों मना किया था मैंने? क्योंकि उनका इंतकाम कभी खत्म नहीं होगा। हम दोनों चाहे जितनी भी कोशिशें कर लें, असलान बे की असियतें शादोलों के लिए कभी खत्म नहीं होंगी। तुम्हारी दादी जीत जाती है मीरान, और हम दोनों हार जाते हैं हमेशा। चले जाओ तुम यहां से और दोबारा नहीं आना। मेरी एक और बात याद रखना कि हम कभी एक नहीं होंगे, इसकी उम्मीद भी भूल जाओ। उम्मीद तो है रियान, अब भी उम्मीद है मुझे। मुझे कातिल बनाना चाहती हो? हमें समझ नहीं आ रही कि आजाद को कहां छुपा के रखें ताकि उसे कुछ ना हो, और तुमने उसे यहां बुला लिया। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? हाँ, हम पहले ही परेशान हैं, उन्होंने हमसे हमारा घर छीन लिया है और आजाद पर बहतान लगाया।
और एक तुम हो कि अब भी हमारे दुश्मन से मिल रही हो। आप मेरी खबरदार जो बोली। देखो बेटा, मैं तुम्हारे बाप की तरह नहीं हूं। आजाद ने कुछ गलत नहीं किया, मैं इसमें ईरान को नहीं छोड़ूंगा। और ये ना समझना कि बात खत्म हो गई है। अगर उन्होंने आजाद को कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं इस्लामी खानदान को अपने हाथों से मौत के घाट उतार दूंगा, समझी?